बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा है। इस बार बीजेपी के मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही विधायक जी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। विधायक का नाम है वीरेंद्र रघुवंशी और वो कोलारस से विधायक है। विधायक जी की माने तो वो सिंधिया समर्थक मंत्रियों से परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कर दिया। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो लगातार 3.5 साल से शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी अनेक 2-3 बार उनने मुकदमे और FIR कराने की कोशिश की। भ्रष्टाचार में अखंड डूबे प्रभारी मंत्री जी, जो स्वयं प्रमाणित करते हैं कॉलरस के कार्यक्रम में, जब माननीय अमित शाह जी 6-5 महीने पहले ग्वालियर आए थे, उनको कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए मेरे द्वारा एक 500 कार्यकर्ताओं की सहायक सचिव सचिवों की बैठक कॉलरस विधानसभा में बुलाई थी। उस बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री आह्वान करने आए थे कि अमित शाह जी के कार्यक्रम में भीड़ लेके जाना है तो गाड़ी और डीजल आप सरपंचों को लाना है। तो एक सरपंच बड़ेरा के ने खड़े होकर कहा कि माननीय मंत्री जी, 5 लाख रुपये 6 महीने में केवल मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के लिए पंचायत में दिए हैं, उसमें से 20% कमीशन लेकर 1 लाख रुपये आपके अधिकारी CO और अधिकारी ले चुके हैं, हम डीजल और गाड़ी का किराया कहाँ से देंगे। तो मंत्री जी का जवाब था, उसमें वीडियो भी होगा लोगों के पास, कभी उपलब्ध कराऊंगा आपको। मंत्री जी ने कहा, सरपंच साहब आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद माला लेकर जाते हैं, चढ़ोतरी चढ़ाते हैं, ये भी नेग है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतिक पार्टी इस स्तर पर आ गई है सरकार बनाने के, वो इन मंत्रियों के इतने भ्रष्टाचार कबूल करने के बाद और हम मूल भाजपाइयों को कुचल रहे हैं और उन पर ना तो उनको मंत्री पद से हटाने को तैयार हैं, ना प्रभारी मंत्री से हटाने को तैयार हैं। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। सिंधिया की माने तो चुनावों से पहले आवागमन होता रहता है। आवागमन हो रहा है, वो होता है चुनाव के समय में। हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे और यही तो लोकतंत्र है। वीरेंद्र रघुवंशी ने फिलहाल किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की बात नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो भविष्य में कांग्रेस का दामन थामकर शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।